basically when we talk about cardiac events means during the cardiac cycle what are the events are occurring. Basically this side it is the atria where we have studied that the only 1.1 second is the duration of the time during which the atria contracts. Means this shaded region is the time in this kind of event where the atria contracts. Means arterial या एट्रियल सिस्टोल कैन बी से 0.1 सेकेंड, बाकी रेस्ट 0.7 सेकेंड दे आर इन आर्टेरियल या एट्रियल, सॉरी इट इज एट्रियल डायस्टोल मीन्स रिलैक्स कंडीशन. इज इट क्लियर टू एवरी वन? बोलो. यस. मीन्स आई मीन टू से 0.1 सेकेंड के लिए ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, बाकी इस कंडीशन में पूरा का पूरा रिलैक्स रहती है. When we talk about ventricles, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे तीन कंपोनेंट, चार में से तीन कंपोनेंट क्या है सिस्टोल कंडीशन में है, तो कैन वी से कि जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट इज ऑकरिंग दैट इज द ड्यूरेशन इज 0.3 सेकेंड. यस इट इज 0.3 सेकेंड. इट मीन्स वी कैन से 0.5 सेकेंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 0.5 सेकेंड द वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्स स्टेट. यस एक साइकिल में तीन कंपोनेंट जो आपको दिख रहा है इस पाई चार्ट में, क्या दिख रहा है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट में है मतलब सिस्टोल कंडीशन में, बाकी पांच के पांच कंपोनेंट क्या है रिलैक्स मतलब कि डायस्टोल कंडीशन में. क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ पर देखिए इसको देखिए और ये वाला देखिए, ये तीनों शेडेड रीजन है. तो जो भी आपके पास शेडेड रीजन यहाँ पर है इसका मतलब क्या है, ये सिस्टोलिक कंडीशन है मतलब कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन है. क्लियर? अरे बात समझ में आ रही है? बाकी जितने भी आपको व्हाइट वाले कंपोनेंट दिख रहे हैं ऑल दीज आर रिलैक्स्ड स्टेट मतलब डायस्टोल कंडीशन. मींस वी एट लास्ट वी कैन से कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल सिस्टोल इज ओनली 4.1 सेकेंड, बाकी 7.7 सेकेंड किसके लिए होती है डायस्टोल कंडीशन के लिए होती है मतलब एट्रियल डायस्टोल. वेयर इज इन केस ऑफ वेंट्रिकल्स द वेंट्रिकल्स आर इन contracted state 4.3 second, not 4.3 second, it is only the duration is 0.3 second. is it clear to everyone, yes or no? First component, second component, third component and the fourth component, whereas all five components are in relaxed state. Whereas if we combine both the structure, okay, this is for atria, yes or no, and these three are for ventricle. 3 second for ventricular contraction, ventricular systole, and 1 is for atrial systole, atrial contraction. Is it clear to everyone, yes or no? Yes. Pakka? Awesome. So according to these events, after analyzing these events, we can write some point. अच्छा अगर हम दोनों के बीच का अगर टाइम डिफरेंस देखें, इधर का आपके पास कितना सेकंड है, इस साइकिल में 8 सेकंड है, इस साइकिल में यहाँ पर वी हैव 0.8 सेकंड, यस और नो? 0.3 सेकंड इधर कॉन्ट्रैक्टेड है, 0.1 सेकंड इधर कॉन्ट्रैक्टेड है. इफ वी कंबाइन बोथ ऑफ देम तो कैन वी से जॉइंट डायस्टोल कि पूरे कंबाइनली कितने देर के लिए रिलैक्स स्टेट पे था मतलब डायस्टोलिक कंडीशन में था, यस और नो? मतलब एट्रिया कितना ड्यूरेशन के लिए रिलैक्स में था, वेंट्रिकल कितना ड्यूरेशन के लिए रिलैक्स में था. दिस कंबाइंड रिलैक्स स्टेट इज नॉन एज जॉइंट डायस्टोल. इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस. So for joint diastole, यहाँ पर मैं कोई point लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा, yes or no करके मुझे बताना कि for joint diastole,
एट्रिया और वेंट्रिकल को हम लोग कंबाइन कर देंगे। जो आपको व्हाइट वाला रीजन क्या है वो डायस्टोल है, मतलब रिलैक्स स्टेट में है, और शेडेड रीजन क्या है वो सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। यहाँ पर एट्रिया में, वहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में अलग अलग तरीके से दिखा रखा था। क्लियर है? यहाँ पर क्या है, इधर आपके पास एट्रिया है, साथ ही साथ में वेंट्रिकल भी। क्लियर? तो जॉइंट फोर्स, द कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट डायस्टोल, पूरे साइकिल का ड्यूरेशन कितना सेकंड का होता है? यस, पूरे साइकिल का ड्यूरेशन कितने सेकंड, और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट किसमें कितने सेकंड के लिए है? 0.3। पूरा कैलकुलेट किया ना, मैंने बोला जॉइंट डायस्टोल, व्हाट आई सेड, इट इज जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट। यहाँ पर एट्रिया का भी कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, एट्रिया का वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, एट्रिया का रिलैक्सेशन भी देखेंगे और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन भी देखेंगे। तो पॉइंट तो पूरे साइकिल के लिए है, ऐसा तो नहीं कि हम 0.8 सेकंड एक बार कॉन्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे और 0.8 सेकंड एक बार रिलैक्सेशन के लिए देखेंगे। दोनों का जो दोनों को दोनों इवेंट एक ही साइकिल के अंदर होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब पूरा का एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से लेकर खत्म होने तक पूरा 0.8 सेकंड के अंदर हो रही कि नहीं हो रही? अरे बाबू हो रहा है कि नहीं बताओ? तो पूरा का पूरा साइकिल ये 0.8 सेकंड का है। क्लियर? इसमें से अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन वाला स्टेज माइनस कर देंगे, देख 0.1 सेकंड इधर का, 0.2, 0.3 एंड 0.4, तो पूरा कंबाइन मिलाकर के ये 0.4 सेकंड होगा क्या? जो बचेगा तो 0.4 बचेगा ना, बचेगा हाँ कि ना? तो दिस इज द पीरियड, दिस 0.4 सेकंड, इट इज द पीरियड वेयर इंटायर हर्ड इज इन रिलैक्स कंडीशन, is in diastole. Is it easy or tough? क्या आपको समझ में आ रही है? हाँ या ना बताइए। अगर समझ में नहीं आया मैं दोबारा समझा रहा हूँ, लेकिन समझना अभी इसी वक्त आपको कि इतना वो ड्यूरेशन है जहां पर हर रिलैक्स स्टेट पे था, डायस्टोलिक कंडीशन में था, यस और नो? क्योंकि एक बार एक्शन पोटेंशियल आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ब्लड नीचे आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ब्लड बाहर चला जाएगा। जो पूरा का इंटायर ड्यूरेशन 0.8 सेकंड के लिए होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ एट्रिया का अपना अलग ड्यूरेशन होगा, वेंट्रिकल का अपना अलग ड्यूरेशन होगा, उसमें सिस्टोलिक का अपना अलग ड्यूरेशन होगा, डायस्टोल का अपना अलग ड्यूरेशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस यस, आगे बढ़ो। सो मूविंग टू नेक्स्ट, इस पॉइंट को हम लोग डिटेल से देखते हैं। जब हम लोग किसी सिंगल सर्कुलेशन की बात करते हैं, मतलब सिंगल साइकिल की बात करते हैं, सिंगल पूरा का पूरा हम लोग 72 बीट्स के बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल कार्डियक साइकिल ऑफ अ मैन इज फॉलोज। क्लियर? पहले हम लोग बात करेंगे एट्रियल डायस्टोल, डायस्टोल या सिस्टोल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से काम शुरू होता है, दैट लास्ट फॉर 0.1 सेकंड। क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? जो दूसरा कंडीशन है, अब एट्रियल डायस्टोलिक कंडीशन में भी होगा, अरे बोलो ना भाई, एट्रियल डायस्टोल दैट इज फॉर पॉइंट हाउ मच सेकेंड, 7 सेकेंड। वेयर इज इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन और वी कैन से सिस्टोल दैट इज फॉर 0.3 सेकेंड, यस और नो? यस। वेयर इज इन केस ऑफ वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल, वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल in this state what will happen, 4.5 second, it is not 4.5, duration is 4.5 second, is it clear, yes or no?
जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे दिस इज ऑल्सो गिव्स 0.8 सेकेंड, दिस ऑल्सो गिव्स 0.8 सेकेंड. क्लियर है? अरे बोलो. हाँ सर. इन केस में सो इन दिस केस जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो एट्रियल सिस्टोल एट्रियल डायस्टोल मतलब पूरे 8 सेकंड के लिए किस तरीके से उस दौरान क्या क्या हो गया और ये पूरा उसी 8 सेकंड के अंदर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल जो रहेगा कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा कितने टाइम के लिए वो रिलैक्स रहेगा. यहाँ पर जो ये डायग्राम है आपके पास है जो आउटर वाला डायग्राम है इसको बेसिकली हम दिस इज द एट्रिया दिस इज द एट्रिया. क्लियर? इनर जो साइकिल है वो क्या है वेंट्रिकल है. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब दोनों प्रीवियस दोनों डायग्राम को मैंने कंपेरिजन करने के लिए मिला दिया है. समझ में आया कि नहीं? बोलो बोलो भाई. समझा. आगे बढ़ो. तो इस तरीके से मतलब ये मत समझना कि ये 0.8 सेकंड एक बार मैंने एट्रिया के लिया और 0.8 सेकंड एक बार मैंने वेंट्रिकल के लिया. ये सब उसी दौरान ये हो रहा है. अब जो कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ. 0.8 सेकंड ये 0.1 सेकंड ये ले लिया बाकी 7.7 सेकंड के लिए इसमें कुछ नहीं होने जा रहा मतलब ये रिलैक्स कंडीशन पे. क्लियर है? अब आगे बॉडी किसकी आती है वेंट्रिकल की. अब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 0.3 सेकंड के लिए ये क्या रहेगा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा मतलब उस टाइम जो एट्रिया था वो रिलैक्स स्टेट में रहेगा या तो नो फिर वो उसी उसमें से क्योंकि पॉइंट जब देखा जब ये वाला की बात कीजिएगा आप जब इसकी बात कीजिएगा जब ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था तो ये वेंट्रिकल जो था आपके पास ये डायस्टोलिक कंडीशन में था या तो नो. अरे था कि नहीं था? तभी तो प्लेट अपने अपने अंदर लिया था उसने. अरे बात समझ में आ रही? बोलो. हाँ तो फिर ये पॉइंट ये सेकंड जब ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था इसका मतलब एट द टाइम एट्रिया ऑलरेडी डायस्टोल में था तो वो उसका एट्रिया का अपना अलग टाइम हो गया मतलब उसी टाइम में से उसका वो टाइम वो भी काउंट हो रहा है और इसमें से भी ये वाला भी टाइम काउंट हो रहा है मतलब 0.3 इसके इस कंडीशन में हो गया मतलब ये कंबाइन स्टेज में उसी 0.8 सेकंड के अंदर ये चारों चीज होने हो रही है. क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं बताओ? पक्का? यस. आगे बढ़े. अरे बोलो भाई आगे बढ़ो क्या? यस सर. दिस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज वेरी वेरी एसेंशियल वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड टू इंटायर द बॉडी टू ऑल्सो द लंग्स एंड टू ऑल्सो द इंटायर बॉडी. इज इट क्लियर? इसमें अलग अलग तरीके से होता है कि एक साथ में भी कुछ कॉन्ट्रैक्शन होती है ये बाकी डिटेल्स आप लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ेंगे. बाकी फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो भी ये बाहर ब्लड आउट निकलेगा भी जिसको हम लोग बोलेंगे इजेक्शन. कितने टाइम के लिए ये इजेक्ट होती है? क्लियर है? फिर जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा मतलब वो रिलैक्स करेगा. अच्छा इसी के दौरान ये जो साउंड होती है लव एंड डव इसी दौरान होती है. क्लियर है? जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब वेंट्रिकल जो आपके पास ये वेंट्रिकल्स है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो उस टाइम आपके पास जो वाल्व थे क्या थे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है इनकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगी. क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व बाइकस्पिड एज वेल एज ट्राइकस्पिड वाल्व इसी के क्लोजिंग होने से एक साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं LUBB लव. लव बोलते हैं लव. जब ये खुलेगा अच्छा खुलेगा कैसे? ये तो ब्लड ये कॉन्टेक्ट हो गया ब्लड कहाँ पे जाएगा? सेमिलुनर वाल आगे जो हर दोनों रिस्पेक्टिव आर्टरी और रिस्पेक्टिव वेंस के लिए उसके ओपनिंग को और उसके क्लोजिंग को रेगुलेट करती है दैट इज सेमिलुनर वाल. क्लियर है? जब ब्लड
बाहर निकलेगा, जब वेंट्रिकल मतलब उस ऐसे कंडीशन जब एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वो क्या करेगा, डायस्टोल करेगा। जब ये डायस्टोल करेगा ड्यूरिंग डायस्टोलेशन ऑफ वेंट्रिकल मतलब ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, व्हाट हैपनिंग इज दैट द वेंट्रिकल स्टार्ट्स रिलैक्सिंग ड्यू टू नाउ द प्रेशर इनसाइड द हार्ट फॉल्स और इंक्रीजेस, इंक्रीज और डिक्रीज। जो वेंट्रिकल था ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल क्लोज हो गया, जिनकी वजह से एक सावन आवाज आई, बोलते ना आवाज जो हमको हम खो गए, तो यहाँ पर खो गए नहीं, ये आवाज आती है एल यू बी बी लव, क्लियर है। वहीं पर जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसको रिलैक्स भी तो होना पड़ेगा, दिस वेंट्रिकल हैज टू गो थ्रू द डायस्टोलिक कंडीशन मतलब रिलैक्स कंडीशन। तो जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में जाएगा, तो जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में होती है तब सेमुलेनर वाल्व क्लोज होती है, यस और नो, अरे बात समझ में आ रही है। तो जब ये रिलैक्स कंडीशन पे जाएगा उस टाइम जो अच्छा जब ये रिलैक्स हो जाएगा वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली हार्ट के अंदर कम होगा या बढ़ेगा, मतलब सिर्फ क्लास में एक ही बच्चा है या कोई और भी क्लास में है, जिनके इनके रिलैक्स होने की वजह से जो आपके पास सेमी लूनर वाल्व था वो हो जाएगा क्लोज। जब ये क्लोज होगा ना ये आवाज देगा आपको, बोलेगा डब, क्या बोलेगा डब नहीं डब डब नहीं इट इज डब लव एंड डब, ये साउंड हर साइकिल में कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो एक साइकिल में एक लव होगा एक डब होगा, दूसरे साइकिल में एक लव होगा एक डब होगा, इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है, क्लियर है, बोलो ना। फिर बाकी ये अपने पूरा बॉडी में ब्लड फैलता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। तो आज के इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर साइकिल किस किस तरीके से ट्रेवल करता है, ने बात किया एक मिनट में 5 लीटर ऑफ ब्लड को ट्रांसमिट करता है। क्या मेरी बात यहाँ तक सबको समझ में आई,